चुनाचे इसको अगर आप सामने रखें तो सबसे अहम चीज है किचन। बाहर से जो चीजें आती हैं, सब्जियां, फल, आटा, चावल, दालें वगैरह, उन सब की कुकिंग हमारे किचन में होता है। उसके बाद बर्तन धोए जाते हैं, और वो बर्तन जो धुलते हैं वो भी सारे के सारे किचन में ही मौजूद होते हैं। जो किचन से पानी निकल के जाता है, क्योंकि बर्तन धोने के बाद, खाना पकाने के दौरान और ऑनवर्ड जो इस्तेमाल किचन में होता है, वो नंबर वन पे है अपने तादाद और मिकदार के लिहाज से। नंबर टू पे वॉशरूम्स आएंगे, क्योंकि वॉशरूम में भी चीजें बाहर के बॉडी से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं वो पानी में शामिल होंगे, वो उस रेफरेंस से, और अगर उसमें जरासीम हो तो वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नंबर थ्री पे ओवरऑल पूरा घर, याद रखिए कि किचन और वॉशरूम जो है इनकी सफाई ज्यादा की जाती है, ओवरऑल पूरे घर की सफाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आपके घर में जो बाकी घर है किचन और वॉशरूम को छोड़ के, उसको एक तो है सिर्फ सादा पानी से वॉश करना, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि उसको पानी के अलावा साथ सर्फ या साबुन लगा के वॉश किया जाए। जी, क्या आपको बता सकता है कि आपके घर में कितने अरसे बाद घर को, किचन और वॉशरूम को छोड़ के, कितने अरसे बाद घर को वॉश किया जाता है सिर्फ पानी नहीं बल्कि पानी के साथ सोप या सर्फ वगैरह के साथ? एनीवन हु वांट टू आंसर? सर किया जाता है ये आदमी कितने दिनों बाद ये चूंकि आप नहीं करते हैं डिटर्जेंट। इसलिए आप जवाब ना दें। अगर किसी को ज्यादा मालूम हो, आप घर में नहीं रहते लगता मुझे। जी, एनीवन एल्स? चले, सर डेटॉल के साथ वॉश किया जाता है 1 वीक के बाद, जब का कोरोना आया तब से 3 दिन बाद। जी, आपका जवाब चूंकि खास सूरत हाल के लिहाज से है, उसमें डिटोल का जिक्र आ गया है, लेकिन जो चीज मैं चाह रहा था सोप और सर्फ वाले वाली, उसका जिक्र नहीं है। मैं चूंकि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं यही देखना चाह रहा होता हूँ कि आप लोग आंखें खोल के रखते हैं या बंद रखते हैं। नोट कीजिएगा, घरों में बहुत कम ऐसा होता है कि पूरे घर को वॉश किया जा रहा हो और उसमें सोप और डिटर्जेंट, यानी जिसको आप सर्फ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। अब मेरा जो इनिशियल क्वेश्चन था ये था घर में मोस्ट एक्टिव जगह, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर वन पे किचन जो कि मोस्ट एक्टिव होता है, नंबर टू पे वॉशरूम्स हैं, और नंबर थ्री पे ओवरऑल जो बाकी घर है वो। बहरहाल हर जगह पे वॉशिंग का अमल किया जा सकता है। अब इसमें से एक चीज जो तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन के लिहाज से भी, क्योंकि दोनों चीजें लिंक हो रही है यहाँ पे, उसमें साबुन और सर्फ जो भी इस्तेमाल हो रहा हो, याद रखिए कि जो पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा होता है बर्तनों को वॉश करने के लिए, या मुख्तलिफ किस्म के सोप्स और समथिंग लिक्विड मौजूद है, उन सब में ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ मौजूद होती है। अब ये सब चीज़ें जिनका यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, ये सब की सब चीज़ें आखिरकार उस पानी में शामिल हो जाएंगी जो घर से निकलेगा। मैंने पूरे घर का जिक्र किया, अब घर की एक खास एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी है जी कपड़े धोना। और ज़ाहिर घर घर में कपड़े भी धुलते हैं, इसका मतलब हो गया कि घर में हमारे चार सेपरेट एक्टिविटीज हैं जिनमें किचन भी शामिल है, वॉशरूम शामिल है, लॉन्ड्री लॉन्ड्री जहाँ ज्यादा कपड़े धोए जाते हैं वो हिस्सा, और इस अलावा पूरा घर। अब ये चार हिस्से घर के अंदर जहाँ से चीजें आनी है, और इनमें से तीन जो ज्यादा ये काम कर रही है उसमें सोप और डिटर्जेंट दोनों शामिल हो। अब दोबारा गौर कीजिए कि सोप्स और डिटर्जेंट से जो केमिकल्स, जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन, इसकी वजह अभी सेपरेट होगी, अलग पॉइंट के अंदर होगी, उसमें नाइट्रेट्स, फास्फेट्स, सोडियम, पोटाशियम और कुछ और आयंस भी शामिल है, इसकी डिटेल्स अभी आगे आएंगे। ये सब पार्ट बन जाएंगे कल्चरल यूट्रोफिकेशन, जिसको हम सेपरेट हेडिंग के साथ डिस्कस करेंगे। एक हो गया। सेकंड पार्ट इससे पहले जिक्र हुआ था कि जो सीवेज है, यही वाला, हमारे यहाँ कहीं पे भी रिवाज नहीं है कि अगर घर में कोई बंदा बीमार है तो उसके वेस्टेज को जो है वो इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए कि वो बाकी चीज़ों को कंटेमिनेट ना करे। बिल्कुल हर जगह पे ऐसे हो रहा है, इवन ये फैसिलिटी तो अक्सर बाज़ अवकात हॉस्पिटल्स में भी नहीं है, वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान नहीं किया जाता। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो पानी है घरों से आने वाला पानी, जो जिसको हम म्यूनसिपल वेस्टेज कहेंगे या म्यूनसिपल सीवेज वाटर, इसके ट्रीटमेंट प्लांट्स हम
मेरे नॉलेज के मुताबिक तो किसी भी बड़े शहर में, बड़े शहर दो ही हैं, कराची और लाहौर, और तीसरे भी फैसलाबाद लगा लीजिए, इनमें से किसी में नहीं है। इस्लामाबाद के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, मेरा ख्याल है कि वहाँ भी नहीं होगा। मैं इस्लामाबाद ज़रा कम कम ही गया हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ भी शायद कोई इस तरह की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, अब ये जो दो लिहाज से फिर देखिएगा कि ये पानी जिसमें नाइट्रेट फॉस्फेट प्लस साल्ट वगैरह मौजूद है, जब ये झीलों में, दरियाओं में, नदी नालों में जहाँ भी जाएगा वहाँ पे एक प्रॉब्लम का बायस बनेगा। प्लस अगर इसमें जरासीम है तो वो तो उस शहर के अंदर ही नालियों से, गटर से निकलने वाला पानी जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, अगर प्रॉब्लम का बायस बनेगा। और वो प्रॉब्लम क्या है कि मक्खियाँ खासतौर पर जब उस पानी में बैठती हैं जिसमें जरासीम मौजूद है, वो उनको ट्रांसफर करती हैं फूड और वाटर तक, और वहां से वो दोबारा इंसानों में। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में चंद डिजीजेस बहुत ज्यादा है, उनके स्प्रेड होने के चूंकि चंद ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में आपने गैस्ट्रो का नाम सुना होगा, बहुत अरसे से गैस्ट्रोजेंट जर्म्स है, वो डिजीजेस जो पानी से मुख्तलिफ तरीकों से होती है, यानी फूड और पानी के जरिए इंसानों के स्टोमक पे जाती है, इंसान में जाती है, और वो जर्म्स जाके बंदे को बीमार करते हैं, उनको ये ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। और इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिनमें मैं नाम कही ले चुका हूँ, उसके पहले आपने डायसेंट्री का नाम सुना होगा, डायसेंट्री और डायरिया, और उसके अलावा जो है कॉलरा, उर्दू में हैजा कहते हैं, इवन हेपेटाइटिस के जरासीम भी इसी तरीके से, हेपेटाइटिस ए के जरासीम खासतौर पर इसी तरीके से ट्रांसफर हो रहे होते हैं, और भी इसके अलावा डिजीजेज हैं जो ट्रांसफर होती है इस पानी के चुनाचे। ये उस पानी की खास अहमियत जो अभी हमने घरों के लिहाज से किया है, ये भी याद रखिए कि जो घरों से आने वाला पानी के पाइप्स हैं, ये तो पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि शहरों में गटर हमेशा क्या कहा जाएगा, जिसमें से गटर से पानी निकल रहा होता है और वो गली गलियों में फैल रहा होता है। ये एक आम सी ऑब्जर्वेशन है हर बंदे के लिए। मैंने तो शायद ही कोई इलाका देखा जहाँ पे ये ना हो, क्योंकि मेन शहरों में जो मेन रोड्स होती हैं उनको सिर्फ क्लियर किया जाता है, बाकी हर जगहों पे ही शहरों के अंदर गटर सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा होता है। इसमें याद रखिएगा कि वही बात आ जाती है बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ आम रवाज ये है कि हर बंदा सारे का सारा इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा देते हैं। हुकूमत या उसके इदारों की गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ हमारे लोग खुद करते हैं, या हम खुद करते हैं। क्यों? रीजन वही है कि जहालत हमारा कौमी शौर है, और मेजॉरिटी लोगों की जहालत पर मुश्तमिल है, इन जहालों में पढ़े लिखे जहल भी शामिल है। जब लोग अपने घर का कूड़ा छोटे छोटे छापरों में डाल के सीवर लाइन में आगे भेज रहे हैं कि इसलिए गवर्नमेंट डब्बे साफ कर दे रहे, उसका रिजल्ट यही निकलेगा और कुछ नहीं है। जो शॉपर्स उनके पीसीस हैं वो जब पानी में जाते हैं तो डेफिनेटली वो पानी को ब्लॉक कर देते हैं, और आप कहीं और पढ़ चुके हैं अब इस बात से वाकिफ हैं कि जो ये आम जबान में शॉपर कहते हैं इसको, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, और जब ये पानी में जाता है तो ये पानी के लाइन्स को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करता है और उनको ब्लॉक कर देता है। अब चूंकि उनकी सफाई का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, चुनाचे बहुत सी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स पैदा हो रही होती हैं और पैदा होती हैं। ये था जी सीवर लाइन का तीसरा हिस्सा है, जो कि इससे भी खतरनाक है पॉइंट, जिस पे लोग आमतौर पर गौर नहीं करते ना सोचते हैं। ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा बड़े शहरों में ही है, छोटे शहरों में इसके होने के चांस थोड़े से कम होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि म्यूनसिपल वाटर दो किस्म का है, एक वो पानी जो म्यूनसिपैलिटी ट्यूबवेल्स के जरिए जमीन से निकालती है और पाइपों के जरिए घरों में पहुंचाती है, पीने वाला पानी, इस्तेमाल वाला पानी, और सेकेंड वो पानी है जो घरों से निकल के आ रहा है। अब बाजी का ओपन ड्रेन से नालियाँ हैं, बस जगह पे पाइप्स डले हुए जिनको सीवरेज पाइप्स का नाम देते हैं। अब जो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो आम लोग हैं और खास तौर पर वो मिस्त्री, मैं मिस्त्री का लफ्ज इस्तेमाल करूँगा, जो फर्ज कीजिए किसी घर ने पानी का कनेक्शन लेना है, अब किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, पानी के कनेक्शन का पाइप 90% केसेस में अगर वहाँ पे ओपन ड्रेनेज है तो नाली के अंदर से गुजर के आ रहा है। अब किसी भी मोहल्ले में चले जाएं जहाँ सीवरेज के पाइप नहीं है बल्कि नालियाँ हैं, 90% केसेस में गली में से जो पाइप निकाल के घर में जा रहा है वो नाली में से गुजर के जा रहा होता है। वो याद रखिए पाइप्स
पुराने जो पाइप डले हुए सारे के सारे, उनको हमारे यहाँ जिसकी पाइप कहते हैं मेटल के, वो कुछ अर्से बाद पुराने होके गल चुप जाते हैं, जंग लग जाता है और लीकेज शुरू हो जाती है। अब वो लीकेज दो तरह से होगी, जिस वक्त पानी का प्रेशर, जब पानी आ रहा होता है तो वो पानी छोटे वाले पाइप यानी पानी वाले पाइप से निकलता है और नालियों में जा रहा होता है, और इसका अपोजिट जब ट्यूबवेल बंद होते हैं तो फिर नाले का पानी पानी वाले पानी में, पानी वाले पाइप में शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि शहरी इलाकों में जहाँ पे पुराने पाइप चले हैं वहाँ पे जब पानी आता है तो सबसे पहले बहुत सारा गंदा पानी आता है और वो इंतहा खतरनाक होता है सेहत के लिए, उसमें वो तमाम जरासीम सीधे घर में पहुँच जाते हैं। अब उसको अगर जस्ट फर्स्ट के लिए आप पानी पीने को इस्तेमाल नहीं करते पीने के लिए और बर्तन धोने के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जरासीम बर्तनों में लग जाएंगे और फिर बर्तनों से दोबारा फूड के जरिए इंसानों के शामिल हो जाएंगे। ये है जो वो प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक के साथ है और ये अंधाई खतरनाक थी और मैंने इसका जिक्र आपके सामने कर दिया जी। ये सिविल लाइन के बाद एक पॉइंट है जो छोटा सा पॉइंट है फॉसिल फ्यूल्स के हवाले से। फॉसिल फ्यूल्स बाजार गाड़ियों में या फैक्ट्री में चलते हैं, वहां से दो चीजें निकलती हैं, एक कार्बन के ऑक्साइड जिनको मॉडल बढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा स्मोक प्लस अदर गैसेज का जिक्र हम एयर पोल्यूशन में कर चुके हैं जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वगैरह शामिल। अब वो ऑक्साइड जिनका जिक्र हुआ है यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड, जब ये एयर में जाते हैं ऊपर जब बारिश होती है बादलों से पानी के साथ मिलते हैं तो एसिड बनते हैं एसिड रेन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एसिड रेन आखिरकार झीलों तक पहुंच जाएगी, उसको डैमेज करेगी, ये भी वाटर पोल्यूशन होगी। इस लिहाज से शुरू हुई एयर से और पहुंच गई है पानी के अंदर। नोट कीजिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक फंक्शन हमने गालबन ग्रीन हाउस गैस के नाम से और ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से पढ़ लिया था। ये भी याद रखिए कि CO2 भी पानी में हल होती है, जब बारिश होती थी पानी में हल हो जाएगी और ये भी एसिड रेन में अपना पार्ट प्ले करेगी, पानी को स्टिक करेगी और ये पानी जब झीलों में जाएगा स्ट्रीम में जाएगा तो ये भी उनको प्रॉब्लम का बाइस बनेगा उनके लिए। और हम कहीं और पढ़ चुके हैं गालबन कि जब एसिडिक वाटर जमीन से फ्लो हो रहा होता है तो वो बहुत सी हैवी मेटल्स को लीच डाउन कर देता है, डिजॉल्व करके झीलों में ले जाता है, इसमें एल्यूमिनियम भी शामिल है और वो फिशेज और बाकी जानदारों के नुकसान का बाइस बनता है। ये था जी फॉसिल फ्यूल का ताल्लुक आखिरकार वाटर पोल्यूशन के साथ। हमारा अगला हिस्सा जो डिटेल्स है इसकी वो है जी किसानों के साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। सर ये ब्लू ग्रीन एनर्जी, ब्लू ग्रीन एनर्जी का सर वो इसका रोल बता दें इसके अंदर, यूटिफिकेशन के अंदर। अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं पढ़ा कुछ और रहा था, यूट्रोफिकेशन के साथ उसका लिंक आया है। यूट्रोफिकेशन सेपरेट हेडिंग के साथ डिस्कस होगा, यूट्रोफिकेशन एक सेपरेट हेडिंग डिस्कस होगा इसमें। अभी मैं सिर्फ जो सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से चीज़ें आ रही हैं और जो पोल्यूशन का बाइस बन रही है वाटर के लिहाज से मैं भी उनको डिस्कस कर रहा हूँ जी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी हवाले से वो है जी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कह लीजिए, एग्रीकल्चर कह लीजिए, और इसमें जो दो चीज़ें जिनसे वाकई में बहुत पहले से वो हम शुरू बात करते हैं, किसान खेतों में खाद डालते हैं, ये खाद सारे पौधों के लिए इंपॉर्टेंट होती है और खादों में सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन वाली खादें होती हैं, नंबर दो पे फॉस्फोरस वाली, फिर पोटाशियम और फिर अदर। और सेकंड किसान खेतों में स्प्रे करते हैं, ये स्प्रे बेसिकली या तो इंसेक्टिसाइड्स के लिए है, इंसेक्टिसाइड भी इंसेक्ट को मारने के लिए है, चूँकि आपने जिन चीज़ों का नाम सुना होगा मैं दो तीन नाम लिए देता हूँ जी, आप वाकिफ हैं वो कीड़े जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, चंद एक नाम गुलाबी सुंडी, चितकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, तेला थ्रिस, आजकल एक बहुत नाम मशहूर हो रहा है टड्डी दल, या देखिए इसको टिड्डी नहीं कहना है ये टड्डी है, टड्डी दल जो घरों में होती हैं वो टिड्डी कहलाती है, और जो टड्डी दल या सिंगल लफज टड्डी है और जो पूरा लफज है वो इसका है टड्डी दल, दल ग्रुप को कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रुप की शक्ल में अटैक करते हैं। पाकिस्तान का रेफरेंस है, अगर आपने कभी टीवी सुना हो तो ये सुन लिया होगा कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इनका अटैक हुआ है, ये अटैक कर रहे हैं और गवर्नमेंट उन पर स्प्रे कर रही है। अब जो स्प्रे किया जा रहा है वो इंसेक्टिसाइड का होगा, चूँकि इंसेक्ट हैं
इसको ग्रास हॉपर है, लोकस्ट टेक्निकल का इंग्लिश टेम जो है वो है लोकस्ट, और ये ग्रास हॉपर ही होता है बड़े साइज का जो ग्रुप की शक्ल में रहता है, दल ग्रुप को कहते हैं। इन पे जो स्प्रे किया जा रहा है या किया जाएगा वो इंसेक्टिसाइड है, और जो किसान स्प्रे करते हैं वो बेसिकली इंसेक्टिसाइड है। लेकिन अगर किसी इलाके में किसी फंगल डिजीज, जैसे कि आप यहाँ पढ़ चुके होंगे, आपने रेस्ट रिस्पेक्ट के नहीं पढ़े हुए सेमेस्टर वन में, उनसे बचाव के लिए जो काम किया जाएगा जाहिर है कि वो फंजीसाइड मेडिसिन का स्प्रे है, सबको मिला के हम पेस्टिसाइड का नाम देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स फंजीसाइड्स और कोई और भी हो माइक्रोबिसाइड, वो सब मिला के पेस्टिसाइड्स कहला सकते हैं, पेस्टिसाइड कहलाएंगे, क्योंकि जो चीज़ फसलों को नुकसान पहुँचा रही है वो पेस्ट हैं और उनसे बचाव के लिए। अच्छा, अब बाजार में ये काम जो किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपने फसल को बचाने के लिए, क्रॉप्स को बचाने के लिए ये काम किया है, लेकिन याद रखिए इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम क्या है और किस लेवल की है उस पर भी आपने गौर करना है। अभी नंबर एक, ये जो स्प्रेस किए गए हैं वो किसी भी चीज का है, इसका कुछ हिस्सा पौधों पे लगा, कुछ पौधे के अंदर जज्ब हो गया, और कुछ बारिश के बाद कुछ डट जमीन पे गिर गया। बारिश के बाद जो पौधे के ऊपर लगा था वो वाला भी, जमीन वाला भी पानी में हाल हुआ, ये पानी जमीन पे फ्लो करता हुआ आखिरकार वाटर की जो सोर्सेज हैं नदी नाले और झीलें उन तक पहुंच जाएगा, और जहर पे बहुत बड़े खतरे का बायस बनेगा। और वो खतरा क्या है, वो खतरा यहाँ मेरे ख्याल में डिस्कस नहीं किया गया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र किए देता हूँ। ये पानी सबसे पहले जहर के जिसमें ये केमिकल शामिल हैं, सबसे पहले कुछ प्लांट्स पे और एलजी में, एलजी का जिक्र फिर आगे आएगा जो पानी में मौजूद होते हैं तक पहुँचेगा, उनसे आगे फिर ये कंज्यूमर्स यानी एनिमल में, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर भी शामिल हैं, उनमें पहुँचेगा। और एक नई चीज़ जो पॉइंट आपकी बुक में कहीं ना कहीं पर होगा, कहाँ होगा ये तो कुछ लगाना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल आखिरकार ये मैन तक भी पहुँच जाएगा, और जब ये मैन में पहुंचेगा तो उसकी बाजार ज्यादा हो चुकी होगी। इस प्रोसेस को टेक्निकली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। प्राइमरी सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, वहां से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। इंसान चूंकि प्राइमरी कंज्यूमर भी है सेकेंडरी भी है, इंसानों में काफ़ी सारी मकदार में केमिकल जमा होते हैं और बहुत से खतरा का बायस बनते हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है, क्योंकि कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं वो कैंसर का तक बात ले जा सकते हैं। जी ये था जी खेतों के लिहाज से ताल्लुक, ये चीज़ें कहाँ से होती हुई इंसान तक पहुँची हैं, और जो पानी में जा रही हैं जाहिर है कि वो पानी के अंदर और जानदारों को भी मारने का काम अंजाम देंगे, उनको भी नुकसान पहुँचाएंगे। ये सब कुछ और अबाउट सोर्सेज, यहाँ तक हमारे सोर्सेज जो हैं वो डिस्कस हुए। अब उस पार्ट की तरफ हम आएंगे जो कमर मुनीर सुबह से इंतजार कर रहा है। यहाँ पे सेपरेट हेडिंग दिया जा सकता है, और वो हेडिंग है जी यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स। या तो कि हम आमतौर पर लेक्स का नाम देखते हैं, अब या तो कभी निकल दिया क्या था कि वेस्ट वाटर जो है हमारे यहाँ, कराची वाला पानी सीधा समंदर के अंदर, लाहौर का पानी सीधा दरियावी में, और ऐसे किसी भी शहर के करीब जो नज़दीक के सेम या कैनाल्स होते हैं उनमें भेज दिया जाता है। अगर कहीं पर ये ना हो, अगर कोई झील हो, ऐसी झीलें कम ही हैं हमारे यहाँ, उन झीलों में डाल देते हैं, और देहाती इलाकों में आमतौर पर किसी नक्ति छप्पड़ में इस पानी को डाल दिया जाता है। अब झीलों के हवाले से, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ पाकिस्तान में और खासतौर पर जो हमारा मैदानी इलाका है, यहाँ झीलें बाजार नहीं, वजह यह है कि यहाँ पे झीलें थीं लेकिन हमने उन झीलों को छप्पड़ों में कन्वर्ट कर दिया। देहाती इलाकों में जितने भी छप्पड़ हैं ये कुदरती झीलें, हमने गंदा पानी डाल डाल के उनका सत्यानाश कर दिया है, और अब उन्हें झीलें नहीं कह सकते हैं बल्कि उनको सिर्फ छप्पड़ ही कह सकते हैं। ये लफ्ज़ पंजाबी का है जी, अंग्रेजी में इसका कोई तर्जमा नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी ये मुझे याद है जी, मैंने आपसे कहा था ग्रुप लीडर्स और जी आर टू, आप लोगों ने ये अटेंडेंस को चेक करना है, और मुझे लिस्ट पार्ट करनी है दोनों की, एक वो बच्चे जो एबसेंट हैं आज, जो बच्चे एबसेंट हैं स्पेसिफिकली उनके नाम रोल नंबर्स पे, और वो बच्चे जो पिछले मुसलसल दिनों से जो नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके नेम्स विद रोल नंबर, जो बच्चे मौजूद हैं वो लेता, दोनों की लिस्ट लेता है, एबसेंट वालों की लिस्ट
परमानेंट एब्सेंट कौन से बच्चे हैं मुसलसल। ग्रुप लीडर्स मैंने इसलिए इन्वॉल्व किए कि आपके जो ग्रुप बनाए गए थे वो इसलिए थे कि हर ग्रुप के अंदर जितने बच्चे मौजूद हैं आपको पता होगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और इनके अपने स्क्रीन शॉट तमाम ग्रुप लीडर्स ने भी स्क्रीन शॉट लेके महफूज करने हैं ये जो अटेंडेंस है आपकी, ताकि उसका रिकॉर्ड भी मौजूद हो और वो महफूज भी रहे कि कौन है कौन नहीं है। ये आप लोगों ने सब ने मिल जुल के काम करना है और फिर मुझे आपने इसकी रिपोर्ट प्राप्त करनी है। जी कल्चरल यूथ एडुकेशन की बात चल रही थी, एक बार फिर अभी वो जिक्र मैंने किया है कि जी समंदर झीलें और जो नदी नाले हैं ये सब के सब मुतासर तो होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा मुतासर होती हैं कुछ कम मुतासर होती हैं। उसके लिए झीलें क्यों ज़्यादा मुतासर होती हैं, नदी नाले और समुंदर वगैरह क्यों ज़्यादा मुतासर नहीं होते। समुंदर जो कि बहुत बड़ा है उसमें चीज़ें डाइल्यूट आउट हो जाती हैं, पानी आता जाता रहता है लहरें और, लेकिन साहल के करीब उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। कराची का साहल, कराची का तो बहुत सारे साहल हैं लेकिन क्लिफ्टन मिसाल के तौर पे बहुत ही मशहूर है, बहुत लोग सैर के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आती है कि जिसका आप सब्र भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही हमने एक बहुत बड़े नेचुरल सोर्स को भी कंटेमिनेट कर दिया, बहुत बुरे तरीके से कंटेमिनेट किया हुआ। और रावी का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि दरियाए रावी लाहौर के किनारे उसके साथ क्या कुछ किया गया है वो भी मशहूर मारूफ है। लेकिन चूँकि समंदर का पानी ज़्यादा है डाइल्यूट, वो डाइल्यूट हो जाती हैं चीज़ें, दरिया रावी के किसी भी रावी किसी भी रिवर के अंदर पानी फ्लो करता रहता है, जब पानी फ्लो होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे ले जाता है, यानी वो वहाँ पे डिपॉजिट नहीं रहता। और अगरचे वहाँ पे नुकसान तो है जहाँ पे वो आ रही नहीं जाता, लेकिन वो आखिरकार आगे चला जाएगा पीछे से और पानी आ रहा है उसके लिए जाता है। जो नहरें हैं वो सेम हो या बड़ी नहर हो उसमें पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ चीज़ें आगे चली जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती है कुछ हद तक आगे चली जाती है, लेकिन ये नहीं है कि उसका असर ख़त्म हो जाएगा। उसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा नदी नाला है जो बहुत स्लो फ्लो करता हो, या देखिए कि फ्लो का ताल्लुक स्लोप के साथ होता है, ये टॉपिक जोग्राफी का है और जोग्राफी आप लोग ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ेंगे। इन जो पहाड़ी इलाके हैं ऊँचे पहाड़ी इलाकों में स्लोप इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत तेज़ी के साथ पानी फ्लो कर जाता है। उसके बाद नीम पहाड़ी इलाके हैं जहाँ से पहाड़ी शुरू होती हैं, वहाँ भी स्लो काफ़ी होती है, वहाँ पानी फास्ट होता है। जब आप मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान में जो हम जलों पर इस्तेमाल करते हैं जोग्राफी के लिहाज से है दरिया सिंध के मैदान, दरिया सिंध के जो मैदानी हिस्सा है उसके दो पार्ट हैं बलाई मैदान और जेरी। बलाई में पंजाब का इलाका आता है और जेरी में सिंध का इलाका आता है। जो पंजाब का इलाका है वो इलाके जो मुख्तलिफ गांवों के साथ मौजूद हजारे अटैच दरिया सिंध भी है, यहाँ पे पानी का फ्लो कदरे ज़्यादा है। जब आप सिंध में जाते हैं तो वहाँ पे फ्लो कदरे कम हो जाता है। दूसरे उसमें ये कह लीजिए कि जहाँ पे फ्लो ज़्यादा है वहाँ पे ख़तरा कम है क्योंकि वो पानी फ्लो करके तेज़ी के साथ आगे जा रहा है ज़्यादा। और जो सिंध का इलाका है जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत स्लो हो जाता है वहाँ पे उसका भी वेस्टर वैसा ही हो जाएगा जैसा किसी झील पर होता है, लेकिन झील में ज़्यादा होता है उस पर कम होगा। और ख़ास तौर पर जिस जगह पर दरिया समुंदर में गिरता है, उर्दू में इसको दरिया का दहाना कहते हैं, इंग्लिश में एस्चुरी है, हमारे टेक्निकल लफ्ज़ एस्चुरी ही है, वहाँ पे भी वही कंडीशन बन जाती है फाउंडेश जो कि हमारी झीलों में हो चुकी है, यानी कंटेमिनेशन ज़्यादा होने से। और अब मैं उस लफ्ज़ की तरफ आ रहा हूँ जो हमारा असल लफ्ज़ था कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। ट्रॉफिक फूड को कहते हैं, झीलों की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए जैसा कि हमारे पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर है जी कोई ऐसी झील, दुनिया के वो मालिक जिन्होंने अपने पानी को बचा के रखा, महफूज रखा, संभाल कर रखा, कंटेमिनेशन बचाया, वहाँ पे ऐसी झीलें मिलती हैं जिनका पानी बिल्कुल साफ और शफाफ होता है। अगर एक झील जिसका पानी बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, क्लीन हो, शफाफ हो, तो वो तो ज़ाहिर ऐसी है जिसमें हम कहेंगे इसमें कोई ट्रॉफिकेशन नहीं। वैसे तो उसको ओलिगो ट्रॉफिक कहना चाहिए लेकिन ओलिगो कहते हैं बहुत थोड़ी ना होने के बराबर कम मिदा है। बहरहाल हर तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल साफ़ हैं जिनमें थोड़ी बहुत कंटेमिनेशन या थोड़ा बहुत नाइट्रेट्स वगैरह आते हैं, फास्फोरस आते हैं। और जहाँ पे शहरी इलाकों से आने वाला वेस्ट वाटर जिसमें फास्फेट नाइट्रेट्स अदर साल्ट्स वगैरह मौजूद हैं, जब वो शामिल हो जाए तो वो यूट्रॉफिक हो जाए।
क्योंकि ये तमाम मिनरल्स और साल्ट्स, खास तौर पर फॉस्फेट्स, नाइट्रेट वगैरह ब्लू ग्रीन एल्जी के लिए डायरेक्टली फूड का काम है जानते हैं। नाइट्रेट तो नाइट्रोजन का सोर्स है, प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा और ऐसे ही बाकी चीज़ें अदर जो मालिक्यूल्स हैं बायो मालिक्यूल उनका हिस्सा बन जाएंगे और उन ब्लू एल्जी के अंदर चले जाएंगे। ब्लू एल्जी का नाम खासतौर पर मैंने लिया, ब्लू एल्जी और एल्जी, वो एल्जी जो माइक्रोस्कोप पे कवर पा रहे हैं, ये सब के सब जो हैं ग्लूमिन एल्जी भी और जो बाकी एल्जी हैं उन सब के अंदर जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं पानी में, उन तक जब ये पहुँचेगा उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि ग्लूमिन एल्जी की ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होती है इन हालात में, वो पानी के सरफेस पे इस तरह से स्प्रेड हो जाएगी कि लाइट को रोक देगी। जब लाइट रुक जाएगी, लाइट नीचे जाना बंद हो जाएगी, तो नीचे डिकम्पशन का अमल ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नीचे ऑक्सीजन, चूँकि जो एनिमल नीचे रहते हैं फिशेज वगैरह और अदर एनिमल, उन वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन मिलेगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब उनकी डेथ होगी तो गले सड़ने का अमल तेज़ हो जाएगा। एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ज़्यादा हो जाएगी और उस लेक से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाएगी और आसान जुबान में कह लें कि वो छप्पड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे छप्पड़ दो तरह के हैं, एक जहाँ पर यह अमल हुआ जिसका जिक्र मैंने किया और सेकेंड वो जिसमें आपने जिसमें मिट्टी भी ज़्यादा मिल जाती है। मिट्टी भी मिल जाए तो पानी गदला हो जाता है, लेकिन जब ये चीज़ आती है तो वो उसके ऊपर काई जमती है और वो वाली झील कल्चरल यूट्रोफिकेशन कुछ होता है। एक आम झील जो साफ है उसको लिए हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, वो होगा जो ओलिगोट्रॉफिक है, लेकिन मेजॉरिटी झीलें जो इंसानों की बस्तियों के आस पास है जहाँ पर इंसानों का फैक्ट पहुँच रहा है पानी के जरिए, वो यूट्रॉफिक कुछ की होती हैं और मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। वहाँ जो नेचुरल लाइफ है वो उसकी अब रीज़न, एक और रीज़न एक तो यह है कि झील का पानी कॉन्स्टेंट है। बहुत कम झीलें ऐसी हैं जिसका पानी फर्दर झील से निकल के आगे जाता है। दुनिया में शायद चंद एक झीलें ऐसी हैं कि पहले पानी उन झीलों में आते हैं और फिर उन झीलों से निकल के आगे समुद्र की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी झीलें ऐसी हैं। नंबर दो, झीलों की फिर दो टाइप्स हैं और वो हैं छोटे साइज की और बड़े। जो छोटे वाली हैं दे आर शैलो लेक्स, शैलो मतलब है कम गहरी, जो छोटे छोटे किसी भी इलाके में पानी के जखीरे होते हैं वो शैलो होते हैं। अगर एक झील बहुत बड़ी हो तो उसके बहुत गहरे होने के चांस भी होते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो जो डीप लेक्स होती हैं उसके अंदर, इफ़ यू रिमेंबर मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, ये नाम आपको याद आ जाना चाहिए, आपने पढ़े हुए हैं कहीं और। ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा आ गया जी, टाइम सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम बाकी है मेरे पास। बहरहाल मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर आप ये नाम याद रखे हुए, नाम है एक बहुत अहम लफ्ज़ है जी, प्रोफंडल जोन, यूफोटिक जोन और ऐसे ही लिटोरल जोन। अगर आप ये नाम से वाकफ़ हैं इसका मतलब ये चीज़ आपने पढ़ के याद रखी हुई है। ये अब ये चूँकि सारे लफ्ज़ वजाहत अलग हैं। दूसरा अहम पॉइंट है स्ट्रेटिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लिहाज डिस्कस किया जाएगा और ये पॉइंट चूँकि अभी डिस्कस होना है तो उसमें अब चूँकि टाइम नहीं रहा है जी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन होगा, जिक्र कर दिया है और ये चलेगा अभी डिटेल्स जी। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये अभी कुछ ही देर में। आपने शैलो लेक्स के बारे में क्या बताया, दोबारा रिपीट कर दें। जो शैलो लेक्स हैं, जो कम गहरी लेक्स होती हैं, उसमें समुद्र जो रोशनी है सूरज की रोशनी वो गहराई तक पहुँचती है, उसमें प्रोफंडल जोन नहीं होता। जो नीचे वाला जोन है जहाँ पे लाइट नहीं होती वो नहीं होता और वहाँ पे ज़्यादा मिक्सिंग होती है, उसमें पानी ज़्यादा मिक्सअप रहता है। बल्कि उसमें सारी की सारी झील जो है अगर कम गहरी है उसका सारे का सारा लिटोरल जोन होगा, ज़्यादा गहराई नहीं है और डीप गहराई तक सन लाइट जा सकती है। डीप का मतलब जितना भी उसका गहरा है, बल्कि ये 5-10 फुट के करीब गहराई है तो उसमें नीचे तक पानी तक जो है वो लाइट पहुँचती है, वो शैलो लेक्स हैं। अगर एक झील फर्ज कीजिए 1000 फुट के करीब गहरी है, अक्सर में ऐसी बड़ी झीलें नहीं हैं, तो उसके नीचे प्रोफंडल जोन मौजूद होगा। मैं नाम लेता हूँ, अगर आपने सुना हुआ है एरल सी, एरल सी कहते हैं उसको, एक्चुअली लेक है ये, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये रशिया के इलाकों में है, सबका USSR के अंदर जी। एनी मोर क्वेश्चन? जो अटेंडेंस का इशू है ना, वो ये है कि स्टूडेंट अगर मैं एक दफ़ा स्क्रीन पर लेकर सेव कर रहा हूँ, बाद में कई जो उनसे हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर डिसकनेक्ट।
और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं जी मैम, बल्कि पहले वाले सारे टेल करने पड़ते जी, हैं जी बिल्कुल। आपने जो है कोशिश करें कि जो पहले 10 मिनट है उसके अंदर अंदर चेक करना है और एंड पे भी चेक कर लेना। सर आप अकेले नहीं करना, मैं पहले कह चुका हूँ कि तमाम ग्रुप लीडर्स आपके साथ तावन करेंगे। अगर कोई नहीं करता है तो आपने मुझे बताना है कि कोई कौन जो है वो आपके साथ हेल्प नहीं कर रहा। तमाम ग्रुप लीडर्स इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे और कैक्शन के साथ और निमरा के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है कौन कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। हम देखना चाह रहे हैं कितने बच्चे शुरू से आ रहे हैं और क्लास में मौजूद रहते हैं, जो बच्चे सिर्फ आके गायब हो जाते हैं उनका भी नोट करना है, चेक करना। भी आप सारी क्लास से एक बार कह दें कि कोशिश किया करें पहले 15 मिनट तक आ जाए। जी मैं ये ऑलरेडी कह चुका हूँ, बल चूंकि अब मैंने आपके सामने बात हुई है, सबको बता दिया है, क्लास को बिल्कुल शुरू में ज्वाइन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसके अटेंड इशू हो वो होता है, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन कोई आके अगर गायब हो जाए, इस वक्त आपकी क्लास में तो ठीक है लोग 32 लोग प्रेजेंट हैं और हाजिर यहाँ के मैक्सिमम इतनी हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती है। बहरहाल ग्रुप लीडर्स ने तावन करना है जी आर्स के साथ और बताना है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो लोग जो वो बच्चे खास तौर पर पॉइंट आउट करते हैं जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको खास तौर पर पॉइंट आउट करते हैं, जो कतर नहीं आ रहे हैं उनकी सेपरेट लिस्ट बनानी है और ग्रुप लीडर्स आपकी हेल्प करेंगे इस सारे प्रोसेस के। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए फिर अल्लाह हाफिज़।